Can you wait in silence, please? Maharashtra? Which Indian won? Wrong answer. Pass to team number 6. Pass to team number 1. Which Indian? Asfia Nazim. The next one is Asfia Nazim. Shreya Khanna. Arunima Mishra. You can queue up here. I'm taking away the names. Arunima Mishra. Saurabh Singh. Nikita Jaiswal. तरह का प्रोग्राम था क्विज कॉन्टेस्ट एक्सपेक्ट करना कोई भारत सरकार के डिपार्टमेंट से, तो ये हम लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था और अच्छे बनने से बहुत कम समय में कॉन्ट्रीब्यूट किया इस सक्सेसफुल प्रोग्राम के लिए। सबको धन्यवाद और जो हमारे बेस्ट स्कूल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो के हैं स्टेट से हैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और हमारे जो मीडिया बंधु हैं जिन्होंने इसके विचार प्रसार के लिए, वो अभी भी कुछ लोग हैं यहाँ पर मत करना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ इस प्रोग्राम का समर्थन किया जाता है। अलंकिता कुछ बोलना है? हिमांशु पूछेंगे आप, हम बोले सर पूरे पर्चे के साथ बोलिएगा ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए। मैं CS मिश्र, उप महानिदेशक राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन लखनऊ। मैं इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। आज हमारे कार्यालय द्वारा राजधानी लखनऊ में अन्वेषा 2022 एक क्विज कॉन्टेस्ट नेशनल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स पे आयोजित किया गया, और इसमें लखनऊ अवस्थित जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, संस्थान हैं, वहाँ से 70 जो प्रतियोगी भाग लिए हैं, और 35 टीम मीन्स 70 प्रतियोगी 35 कॉलेजेस से, और इसमें उनको पुरस्कार का भी प्रोविज़न है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम विजेता को, और जो फर्स्ट टीम विजेता होगी उसके कॉलेज को एक ट्रॉफी का पुरस्कार भी देने का प्रोविज़न है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, चूँकि स्टैटिस्टिक्स एक अप्लाइड साइंस है, सारे फील्ड में इसका एप्लीकेशन है, तो जो हमारे यंग माइंड्स हैं, यंग स्टैटिस्टिशियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स, उनको जागरूक करना है जो स्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेशन हैं उसके बारे में, सो दैट ये जो स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन है उस पर वो फोकस कर सकें। थैंक यू। रोल आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये अन्वेषा क्विज कॉन्टेस्ट नेशनल वाइड क्विज कॉन्टेस्ट का आज आयोजन किया गया है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या कहना है आपको, किस तरह का कॉन्टेस्ट लगा आपको? यस, हम लोग को बहुत ही अच्छा एज ए टीम हमने इस चीज़ में पार्टिसिपेट करा है, और काफ़ी ज़्यादा क्विज जो हमें देखने को मिला, हमने सोचा था इतना बड़ा मतलब लेवल नहीं होगा क्विज का, बट जो क्विज का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा वाइड था, क्योंकि यहाँ पे जो चीफ गेस्ट आए थे, एलुमनाइज आए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से आए थे, तो जो क्विज का लेवल था, इस टूर्नामेंट का लेवल था, वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ इसमें पार्ट लेकर, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को भी और सीखने को। आज सच आई नो दैट कि स्टैटिक्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर हमें लगा कि ये ईच एंड एवरी जगह स्टैटिक्स बहुत रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसकी वाइड रेंज से हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे आकर। अच्छा, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया था, क्या रहा पोजीशन आपका इसमें?
पोजीशन की एक्चुअली 35 टीम्स थी और 10 जो है ना उसमें से फिर 6 एक्चुअली 6 टीम्स ली गई है। उसके बाद का रिजल्ट और कितना तैयारी करी इससे पहले कितना तैयार किया। वैसे तो हम लोग ने इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के बेस क्वेश्चन तैयार करे थे, पर यहाँ पे एक्चुअली में जो इंटरनेशनल रिलेशन और पिछले जो 20 ईयर में जो करेंट चल रहा था उसके भी सारे क्वेश्चन थे। और जैसे कि आप लोग देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन था और सूखे पे क्या हो सकता है, सूखे पे क्या चीज़ काम करती है, मतलब ऑल ओवर बैकग्राउंड को कवर कर रहा था। जो भी कुछ पूछा गया करंट अफेयर्स को देखते ही मतलब करंट अफेयर नॉलेज से ही क्वेश्चन थे तो हम लोग तो जो भी कुछ आपसे पूछा गया वो आगे आपके फ्यूचर में आगे आपकी स्टडीज में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। भविष्य में कभी भी हम अपने करियर को चूज करेंगे तो स्टैटिक का उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। डिपार्टमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी मिली डिपार्टमेंट्स के थ्रू कराया गया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पूरा मंच होना चाहिए आप सही है। सर आज का क्या कार्यक्रम हो रहा है संस्कृत डिपार्टमेंट लखनऊ में आज़ादी के अमृत महोत्सव पे क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? आज जो है जी अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा क्विज कॉन्सेंट जो हमारे यहाँ लखनऊ कॉलेजेज हैं पूरे उनके बच्चों को बुलाकर एक जो है क्विज कॉन्सेंट करने के बाद उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और जो विनर जो हमारे स्कूल होंगे उनको शील्ड का। राजधानी लखनऊ के किन विद्यालयों से यहाँ पार्टिसिपेंट आए हुए? राजधानी लखनऊ के सभी विद्यालयों से जिनको बुलाया गया है जो पार्टिसिपेंट लेना चाहते हैं डिपार्टमेंटल विश्व मतलब जैसे कोई नाम जैसे मतलब कुनकुन जी है, राजेंद्र प्रसाद नवयुग कन्ना के लोग हैं, के सी हैं, उसके अलावा जो